कार की चपेट में आने से मोपेड सवार बुजुर्ग की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। कोरबा चांपा मार्ग पर स्थित बरपाली में तेज रफ्तार कार ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के पास 3 लोगों को ठोकर मारते हुए एक मोपेड सवार को मौत के घाट उतार दिया। कार को लोग पकड़ पाते इससे पहले ही वह चालक सहित अदृश्य हो गई। बाइक सवार 80 वर्षीय वीर सिंह बंजारे की मौत हो गई। वहीं बहू सोन कुमारी नाती प्रहलाद और एक अन्य रेलवे कर्मी लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। पता चला है कि मृतक वीर सिंह जांजगीर जिले के एक गांव के रहने वाले थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद गृह ग्राम लौटते समय उनके साथ हादसा हो गया। पुलिस हत्यारे कार चालक की तलाश में है। कार को उर्गा थाना प्रभारी राजेश जांगड़े ने दुर्घटना कार्य वाहन को जब्त कर लिया है। सूत्रों की माने तो वाहन चालक व वाहन बरपाली ग्राम के निवासी बताए जा रहे हैं। कोरबा जिले के उर्गा थाना क्षेत्र में उर्गा और चापा के बीच बरपाली गांव के पास ग्रामीण बैंक के पास में एक सुबह 9:30 बजे एक फोर व्हीलर और बाइक सवारों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें दोपहिया वाहन में सवार 3 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 2 लोग घायल हैं। साथ में एक अन्य व्यक्ति भी है जो वहीं पे ही खड़ा था, वहां उपस्थित था, वो भी इस कार की चपेट पे आया है, वो भी घायल है। 3 घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इलाज जारी है। और गाड़ी जो एक्सीडेंट जो किया था, 4 वाहन, उसका क्रमांक CG12AW9501 है। आरोपी कार एक्सीडेंट के पश्चात कार छोड़ के भाग गया था, उसको पता तलाश किया जा रहा है। मामले की विवेचना जारी है और इसमें मर कायम करके आगे अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जनरली ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि उसमें स्पीड में कोई वाहन न चलाए, और इसमें पहले भी प्रयास किया गया था, आगे भी प्रयास करें।